नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान ही शुक्रवार को ईडी की टीम छापेमारी करने उत्तर 24 परगना पहुंची, लेकिन ईडी की टीम को यहां ग्रामीणों की भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। ईडी की टीम पर हमले का ये मामला उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली गाँव का है। जाँच एजेंसी की टीम यहाँ राशन घोटाले के केस में TMC नेता SK शाहजहां शेख घर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान ही करीब 200 लोगों की भीड़ ने अचानक ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। ईडी ने इस मामले पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन भीड़ ने ईडी अधिकारी और उनके साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक जो टीम छापेमारी करने पहुंची थी उसमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे। भीड़ ने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। हालांकि इस मामले के बाद TMC नेता SK शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल ईडी की छापेमारी कई महीनों से जारी है। ईडी ने पहले खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS का लगभग 30% राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। जांच एजेंसी ने कहा था कि राशन की कथित चोरी के बाद मिले पैसे मिल मालिकों और PDS वितरकों के बीच बांटे गए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईडी अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के पीछे भीड़ किस तरह उन्माद फैलाने पर तुली है और उनको मानो जान से मारकर ही मानेगी। साथ ही यहां पर देखा जा सकता है कि ईडी अधिकारी किस तरह से खून में लथपथ है। जरा देखिए इस वीडियो को। हेलो सर, गाड़ी पूरा जला दिया और वहाँ अभी तो सब एक सब इधर।